नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी की। कल मैंने देखा कि अगेन सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिला। एक्सपेक्टेड आज भी ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। जीरा में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे सपोर्ट 14,400, रेजिस्टेंस 15,400, यहाँ खरीदारी की सलाह है। टर्मरिक में भी ट्रेंड एक साइडवेज रहेगा, यहाँ सपोर्ट 7,900, रेजिस्टेंस 8,350। कोरिएंडर में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, यहाँ खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, यहाँ पर सपोर्ट 7,200, रेजिस्टेंस 7,500। वहीं अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो वहाँ पर अगेन हमने हायर लेवल्स बनते हुए देखे हैं। सोयाबीन में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, यहाँ खरीदारी कर सकते हैं, सपोर्ट 6,300, रेजिस्टेंस 6,580। आरएम सीड में ट्रेंड साइडवेज रहेगा, यहाँ पे सपोर्ट 5,930, रेजिस्टेंस 6,300। रिफाइंड सोया में ट्रेंड साइडवेज रहेगा, यहाँ पे सपोर्ट 1,310, रेजिस्टेंस 1,340, खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। सीपीओ के अंदर भी खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट 1,130, रेजिस्टेंस 1,162। वहीं अगर हम कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट 4,700, रेजिस्टेंस 4,970। वहीं अगर हम कॉटन कपास की बात करें तो वहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव है, कॉटन में खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट 21,100, रेजिस्टेंस 22,000। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे सपोर्ट 2450, रेजिस्टेंस 2650। अगर हम ग्वार सीड ग्वार गम की बात करें तो वहाँ पर हमने शॉर्ट कवरिंग देखी है, एक्सपेक्टेड है आज भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, तो ग्वार सीड ग्वार गम के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ग्वार गम में सपोर्ट 6,000, रेजिस्टेंस 6,360। ग्वार सीड में खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट 3,800, रेजिस्टेंस 4,090। चने की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने खरीदारी लौटती हुई देखी है, सरकार के बफर स्टॉक बनने की वजह से दालों में तेज़ी देखने को मिली है। चने के अंदर खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट 5,200, रेजिस्टेंस 5,520। एक्सपेक्टेड है आज सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। आशा करते हैं आपको इस जानकारी से फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।